सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियो अपडेट अलकम वरम्तुल्ल व मैं सुहाल मकबूल इतो और आप देख रहे हो मेरी यूट्यूब चैनल इस्लामिक नॉलेज आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लाया है जो आपको आखिर तक जरूरी देखना है तो तभी आपको ये वीडियो की असल बुनियाद असल मकसद समझ आएगा तो चलिए आपका वक्त जया न करते हुए आज का जो वीडियो है वो शुरू करते हैं मुख्तलिफ अहादीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुझे तुम्हारी दुनिया में सबसे तीन चीजें महबूब हैं। वो तीन चीज खुशबू निकाह नमाज ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तीन चीज महबूब थी इसके बाद जो बंदा मौत के वक्त तीन चीजों से बरी होगा वो जन्नत में दाखिल होगा तकबर कर्ज खयानत जो बंदा मौत के वक्त तीन चीजों से बरी होगा यानी किसके पास ये नहीं होंगे तो वो सीधे जन्नत में दाखिल होगा एक तकबर अपने आप पर वो कहना है कहते हैं कि ना मैं नमाज पढ़ता हूं वो करता हूं ये करता हूं तकबर होना अपने आप पर गुरूर करना और कर्ज और खयानत इसके बाद तीन चीजें अगर दी जाए तो मना न करो अगर आपको कोई ये तीन चीजें देगा तो आपको मना नहीं करना है पहली खुशबू दूसरी तकिया तीसरी दूध इसके बाद तीन लोग जन्नत में दाखिल न होंगे वो कौन से बदनसीब लोग हैं जो दन दाखिल जो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे अल्लाह तला बचाए पहला वालेन का नाफरमान, दूसरा शराब का आदि शराब पीने वाला और तीसरा चुगलखोर। इसके बाद तीन लोगों को अल्लाह ताला अर्श के साय में रखेगा पहला भूखे को खाना खा खिलाने वाला तकलीफों के बावजूद वजू करने वाला अंधेरे में दल मस्जिद जाने वाला रसुल्ला वसल्लम ने इर्शाद फरमाया अल्लाह उस शख्स को तरोताजा रखे जिसने मेरी कोई हदीस सुनी और उसे दूसरों तक पहुंचा दिया तो इसके इस जो मैंने अभी आपके बहुत सारे हदीस शरीफ फरमाए तो अगर आपको किसी भी हदीस शरीफ में कोई शक शुबा हो तो मैं कमेंट सेक्शन में लिखूंगा उनके सबूत यानी कि किस किताब में ये दर्ज है आ, थोड़े से बोलूं तिरमिजी शरीफ में है मुस्नद अहमद में है कंजुल अमाल में है इबनि महाजा में है ठीक है और कमेंट सेक्शन में ये भी जरूरी होंगे तो आज के इस वीडियो में इतना ही अगर आपको इस वीडियो में कुछ मिला होगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें और प्रेस द आइकन एंड गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन चलो मिलते हैं आपको दूसरे वीडियो में तब तक दीजिए सहल मकबूल को इजाजत अल्लाह हाफिज